तो नहीं सुनिए, बदतमीजी ना कीजिए। अगर आप इस तरह से बदतमीजी करेंगे मैं पुलिस को बुलाऊंगा। आइए बताओ, ये वाला सेट कर दो सर, कितने का पड़ेगा ये? ये 50,200 पड़ेगा आपको। ठीक है, ये वाला पैक करो, बिल बनाओ, मैं ऑनलाइन कर दूं पेमेंट? हाँ कर दो, कोई बात नहीं है। ठीक है, लो जी भाई साहब, लो मैं 50,000 रुपये ऑनलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, डालो और ये देखो 50,000 रुपये हो गए और 200 रुपये मैं आपको कैश दे रहा हूँ। ठीक है सर, एक मिनट। हाँ जी ठीक है भाई साहब, आगे देखो 50,000 आ गए ना आपके, 200 रुपये आप कैश लो। ठीक है जी, ओके हो गया। ठीक है भाई साहब, नमस्ते जी लाला जी, कैसे हैं? एक मोबाइल की आवश्यकता है, एक अच्छी क्वालिटी का कोई मोबाइल दीजिए। सैमसंग दिखा दो, 40-50 हज़ार रुपए का। ये ले लो पहले S22। S22 की ही रिक्वायरमेंट थी, बच्चों ने यही कहा है ना, बढ़िया फोन है ये तो। कितने रुपए का है? 50,300 का पड़ेगा अपने को। 50,300 का? 50,000 का तो ऑनलाइन मिल रहा है, मैं तो आपके पास इसलिए आया था। जाको पता इतना बड़ा मोड़ रहा है, कर देगी कोई बात नहीं। 100-200 मैं तो आपकी दुकान का नाम सुन के आया था। कोई बात नहीं, 50,000 का पड़ जाएगा, कोई बात नहीं। 50,000 ठीक है, तो प्रवीण कुमार के नाम से बिल बनवा लो। एक मिनट अभी बनवा देता हूं, पेमेंट ऑनलाइन हो जाएगी? हां बिल्कुल हो जाएगी, इसमें कर दूं? हां जी हो गई पेमेंट चेक कर। एक मिनट रुको, अभी तो नहीं आई भाई साहब आपका। आ गई, अच्छे से चेक करें, मेरे कट चुके हैं। क्या गूगल पे फोन पे? गूगल पे किया है। एक मिनट, 50,000 रुपए ना अभी तो नहीं आई भाई साहब। अरे भैया अच्छे से चेक करो, मेरे पास से कट चुकी है ये, आप देखिए गूगल पे में जाके मेरी हिस्ट्री चेक कीजिए। 50,000 रुपए महेश्वरी की मोबाइल के नाम से है। ठीक है, आप एक इसको मिनट, प्रवीण कुमार के नाम, प्रवीण कुमार के नाम से। ये तो सर आपकी नहीं है, ये तो अभी 15 मिनट पहले मैंने फोन दिया था उसकी पेमेंट प्रवीण कुमार। अरे भैया 15 मिनट पहले फोन दिया था, इसका UTR निकाले अभी लो। तो मेरे मोबाइल से पेमेंट हुई, आप किसी और का नाम ले रहे हो। आपके फोन से पेमेंट तो है, लेकिन फोन तो पहले 10 मिनट पहले बंदा लेके आया मेरे पास। अरे मेरे को क्या पता कौन ले गया है। मेरे फोन से जो पेमेंट हुई है वो आपके फोन पे आ गई या नहीं? UTR नंबर तो सेम है, मान लो UTR नंबर ही मिलाएंगे या कुछ और मिलाएंगे? आपने नहीं, प्रवीण कुमार का नाम आ रहा है। मेरा नाम प्रवीण कुमार है। किस नाम से बिल बनाया है आपने? प्रवीण कुमार के नाम, प्रवीण कुमार ही मेरा नाम। फर्स्ट पार्टी प्रवीण कुमार के नाम से बिल ले गई है। अब कौन क्या ले गया है मुझे तो इस बात से मतलब नहीं है। नहीं है, मैंने आपको जो पेमेंट कर दी वो आपकी स्क्रीन पे आ रही है। मेरे अकाउंट में तो पेमेंट आनी चाहिए ना। आपके अकाउंट में आ तो गई और कैसे आएगी? ये आपकी थोड़ी, प्रवीण कुमार के नाम से पेमेंट आई है तो 10 मिनट पहले जो फोन दिया। आप मेरे को एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, प्रवीण कुमार के नाम से पेमेंट आई है? प्रवीण कुमार नाम जो मेरे मोबाइल के अंदर, मेरी हिस्ट्री के अंदर जो UTR नंबर है, मैंने आपकी बात सारी समझ ली। आप ये बताइए UTR नंबर मिल गया? आपने नहीं किया अभी ये, UTR नंबर आपका मिला या नहीं मिला? UTR नंबर, UTR नंबर मिल गया, मेरा नाम मिल गया और मैंने आपको। सर ये पेमेंट आपके एंड से तो नहीं हुई अभी, ये दो बंदा करके गया है जो अभी 10 मिनट पहले। कौन बंदा करके गया है? मैंने की है यार पेमेंट, तो सरिया बंदा मिला दे दो। नहीं कैसे कर कमाल है, एक तो आपकी दुकान का इतना नाम सुन के हमारे, आप तो चीटिंग करते हैं सर। उसके लिए आप वेब कर रही है, आपको इसमें नहीं मिलेगी कोई भी चीटिंग। लेकिन ये चीटिंग हो तो गई, आप 50,000 रुपए की पेमेंट कर रही है। नहीं ये मैंने पेमेंट कर दी, कमाल करते हैं। कैसे मान लो, यही नहीं है पेमेंट आपकी? अरे मेरे भाई पेमेंट हो चुकी है। नहीं तो मैंने ये तो आप, अच्छा सुनिए 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 सुनिए, आप किसी से पेमेंट लेते हैं तो कैसे मैच करते हैं? मैच कैसे करते हैं? अभी मैच तो फोन पे डिटेल में सेम मैच हो जाएगी, सेम मैच हो रही है। गूगल पे मेरा स्क्रीन शॉट और आपका स्क्रीन शॉट मैच हो रहा है? नहीं वो तो मैच, मेरा नाम मैच हो रहा है, मेरा UTR नंबर मैच हो रहा है। तो आप बंदा भी प्रवीण के नाम से ही लेके गया है, कमाल की बात है आपकी। लाला जी ऐसा है कि आप अपने अकाउंट में चेक कीजिए, मेरे से आपकी पेमेंट कट चुकी है, बहस करने का कोई फायदा नहीं है। चेक कर लिया, आपके सामने चेक कर रहा हूँ। अरे चेक कैसे कर रहे हैं आप, तो सरेआम झूठ बोल रहे हैं। आपके मोबाइल के अंदर मेरे अकाउंट में पेमेंट नहीं आ रही ना, 50,000 ही ने केवल एक बार, 50,000 ही मैंने की है भैया। तो आपसे पहले जो बंदा ले गया, अरे भाई साहब हो क्या गया, मैं इनकी बड़ी दुकान का नाम सुन के आया था कि महेश्वरी वाले बड़ा अच्छा माल देते हैं और किसी तरह कोई चीटिंग नहीं। 50,000 रुपए की पेमेंट कर दी और कह रहे हैं कि पेमेंट नहीं आई है। अरे प्रूफ क्या होगा, ऑनलाइन पेमेंट की है मेरे भाई, भाई ऐसा मेरे पास स्क्रीन शॉट है। ऐसा है, 10 मिनट पहले भाई फोन ले गया था तो वो 50,000 पेमेंट कर गया था, यही मॉडल ले गया था। मैंने वो पेमेंट सेम, वो नाम वो या प्रवीण कुमार, तुम कह रही पेमेंट मैंने करी। आप एक मिनट रुकिए, आप एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, आप ये देखिए क्या नाम है मेरा, नाम तो इस आईडी में प्रवीण कुमार है। मैंने अपनी आईडी इनको दिखा दी, मैंने इनको स्क्रीन शॉट दिखा दिया, तो बंदा स्क्रीन शॉट चेक कीजिए। आप एक बार इनका स्क्रीन शॉट चेक कीजिए, देखो इनका दोनों का UTR नंबर मिला के देखिए।
भाई साहब की पेमेंट तो आ रखी है यूटीआर नंबर मिल गया। अभी तो समझाएं कैसे कि यूटीआर नंबर मिल रहा है, मैंने अपनी आईडी दे दी। अरे भैया जी और क्या चाहते हो, मैंने करी ये पेमेंट आपने नहीं करी सर अभी तक पेमेंट इसमें। भैया अभी मैं इनको कैसे, तो भाई साहब के पास तो प्रूफ है ना इस चीज। अरे मेरे भाई आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं। अरे मैंने आपको पेमेंट कर दी, फिर आप दे रहे हो पेमेंट तो चाहिए। आप मेरी आंखों में मिर्च ढूंढ रहे हैं। मैं आपको प्रोडक्ट दे रहा हूँ तो मेरे को पेमेंट चाहिए। अरे मेरे भाई आप अपना मोबाइल दे रहे हैं तो 50,000 रुपए की पेमेंट की नहीं है पेमेंट है। अब बताइए इनको कैसे समझाएं। अरे आप पागल हैं क्या, आप पागल, आपके दिमाग में क्या करेगा इसमें सर जी, कमाल कर दिया। तो मैंने आपको आपसे 10 मिनट पहले जो ले गया बंदा, वो मेरे पास इतना समय नहीं है आपके पास, नहीं तो आपके ऐसे थोड़ी होगा। नहीं भाई साहब रुको, ऐसे कैसे समझाओ भाई साहब, सुनिए अगर आप इस तरह से पुलिस को बुलाऊंगा, मैं पुलिस को बुलाने से क्या होगा। अरे भाई साहब मेरे को आप ये बताइए आप क्या करते हैं। मेरी रेडीमेड की शॉप है भैया, शॉप है ना, इसी तरह की दुकान है ना। आप पेमेंट कैसे चेक करते हैं, यूटीआर ही मिलाते हैं। अरे ये यूटीआर मिल गया है, मेरी हिस्ट्री में से 50,000 रुपए कट रहे हैं इनके मोबाइल पे आ रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं सर, ये कह रहा हूँ मैं जो 10 मिनट पहले बंदा ले गया वो ले गए मेरे पास। तो आप इनसे बात कीजिए, भाई साहब तो अपनी जगह सही है। भाई साहब बात को की बंदा फोन ले गया, पहले मेरे पास प्रोडक्ट ले गया, मेरे 50,000 दे गया वो। देखिए ऐसा है, मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ, कॉन्टेक्ट नंबर लिख लीजिए। मेरे अकाउंट में से पेमेंट कट गई, आपके अकाउंट में आ गई है, आप अपने अकाउंट से बोल के चेक करवा लीजिए। आप मेरा नंबर लिख लीजिए, लो नंबर लिखिए 8930 8930 884 490। ठीक है ना। और भैया इस तरह से बदतमीजी ना किया करें, ठीक है। आप अपने अकाउंटेंट से बात कर लीजिए और मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दूंगा, आई नहीं आएगी तो आपको बता दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है जी, हो गया। 50,000 का चूना लगा दिया, एक मैं लिया है, एक तू लिया, आ गया। अब किसी नए मुर्गे को देखते हैं। ठीक है चलो, लगा दिया ना चूना। इसे कहते हैं ऑनलाइन फ्रॉड करना। दोस्तों हिंदुस्तान में हजारों दुकानदार बेवकूफ हैं, इनको चूना लगाने वाला होना चाहिए मेरे जैसा। मैंने 50,000 रुपये का चूना लगा दिया, मोबाइल नंबर भी गलत लिखवा दिया। अब मुझे ढूंढेगा कहाँ पे, 50,000 में एक मोबाइल आता है, मैं दो ले आया। इसे कहते हैं ऑनलाइन चूना लगाना। दुकानदार 100-200 रुपए कमाते हैं और मेरे जैसे इनको मूर्ख बना के 50,000 का चूना लगा देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान में किसी एक भी दुकानदार को ऑनलाइन फ्रॉड ना हो, इस तरह से उसको चूना ना लगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यूटीआर नंबर मिला के हमने मोबाइल रिप्लेस कर दिए थे पहले ही मोबाइल रिप्लेस करके। यूटीआर नंबर तो सेम रहेगा, दुकानदार के माइंड में नहीं आई ये बात, और हमने उसको 50,000 का चूना लगा दिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जितने भी दोस्त हैं, मित्र हैं, परिचित हैं, रिश्तेदार हैं, सभी दुकानदारों के पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए, ताकि लोगों को पता लगे, दुकानदार भाइयों को पता लगे कि उनके साथ यूटीआर नंबर का भी फ्रॉड हो सकता है। इस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड के हजारों मुकदमे हैं, और ये रियल घटना के ऊपर आधारित हमने एक नाटक बनाया है, ताकि आप लोग सावधान रहें, आप लोगों को कोई चुना ना लगाने पाए। तो वीडियो को जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।